हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द्विवेदी युग से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की। तो कल के वीडियो में मैंने आप सभी को भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करवाए थे और आज हम द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रज्ञेंदु की उपाधि किस कवि को मिली? नाथु शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल, प्रेम घन या फिर राम नरेश त्रिपाठी को? तो भारतेंदु प्रज्ञेंदु की जो उपाधि है वो मिली हुई है नाथुराम शर्मा शंकर को। चलिए अगला प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली? मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, प्रताप नारायण मिश्र या फिर सोहनलाल द्विवेदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई? विकट भट्ट, किसान, भारत भारती, पंचवटी? तो यहाँ पे तो किस रचना के कारण जो है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत भारती के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास काव्य का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1920 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1914 ईस्वी या फिर 1922 ईस्वी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1914 ईस्वी। चलिए आगे प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना है? शांत पथिक, एकांतवासी योगी, कामायनी या फिर प्रिय प्रवास को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एकांतवासी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये यहाँ पर जो हमारा उत्तर है वो है डी, प्रिय प्रवास। तो शुक्ल जी ने जो है खड़ी बोली की प्रथम रचना जो है प्रिय प्रवास को माना है। चलिए अगला प्रश्न है, नकुल महाकाव्य के रचनाकार कौन है? निराला, सियाराम शरण गुप्त, श्रीधर पाठक या फिर राम नरेश त्रिपाठी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सियाराम शरण गुप्त। चलिए आगे प्रश्न है, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, ये पंक्ति किस रचना से है? भारत भारती, शांत पथिक, बापू या फिर आर्द्रा से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जो कथन है या ये रचना है वो हमें भारत भारती में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम में लगाइए। चलिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले देखिए क्या है, भारत भारती, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1912 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1933 ईस्वी, इसके बाद द्वापर 1936 ईस्वी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ये वाला जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे प्रकाशन वर्ष भी लिख दिया है, भारत भारती का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1912 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1933 और द्वापर 1936 ईस्वी। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, वृत्त संहार किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे या फिर श्रीधर पाठक? तो वृत्त संहार किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त की। चलिए अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास की भाषा कौन सी है? भोजपुरी, बांगड़ू, अवधी या फिर खड़ी बोली? तो प्रिय प्रवास की भाषा क्या है, खड़ी बोली। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संयोजन किस कृति में किया गया है? झंकार, यशोधरा, साकेत या फिर द्वापर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झंकार में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वेणु लो गूंजे धरा इसके रचयिता कौन है? गोपाल चरण सिंह नेपाली, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर रामधारी सिंह दिनकर? तो इसके रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी जी। चलिए आगे प्रश्न है, बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रत्नाकर, बालमुकुंद गुप्त, शुक्ल या फिर दिनकर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालमुकुंद गुप्त। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, मेरे चपल यौवन बाल
अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल, तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो अधिकतर आधुनिक काल की पंक्तियां पूछी जाती है, तो इसका उत्तर क्या होगा? बाबू जगन्नाथ दास, प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या फिर दिनकर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। चलिए आगे प्रश्न है। जगत है सच्चा, तो पंक्ति है जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। तो इस पंक्ति की के रचयिता कौन है? ये पंक्तियां जो है वो किसकी है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है श्रीधर पाठक, रत्नाकर, दिनकर या फिर द्विवेदी। तो ये पंक्ति जो है श्रीधर पाठक की है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त किस छंद का प्रयोग सबसे अधिक करते थे? गीतिका, रोला, मात्रक या फिर हरि गीतिका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जो है अपनी रचनाओं में हरि गीतिका छंद का प्रयोग करते थे। आगे प्रश्न है। उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। वैदेही वनवास, कृष्णायन, प्रिय प्रवास या फिर उद्धव शतक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिय प्रवास। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक या फिर भारतेंदु? तो मैथिली शरण गुप्त के जो गुरु थे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे प्रश्न है। धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? नाथूराम शर्मा, शंकर, दिनकर, पंत या फिर श्रीधर पाठक? तो इसका सही उत्तर है नाथूराम शर्मा, शंकर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कानन कुसुम इसके रचयिता कौन है? मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर लोचन प्रसाद पांडे? तो ये रचना जो है मुकुटधर पांडे की है। अगला प्रश्न है। प्लासी के युद्ध, तो इसके रचयिता कौन है? प्लासी के युद्ध, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त या फिर माखनलाल चतुर्वेदी? तो इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। हमारा अगला प्रश्न है। सुमन किसकी काव्य रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, रत्नाकर या फिर दिनकर? तो इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अनुराग रत्न के रचनाकार है अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु, नाथूराम शर्मा, शंकर, बालकृष्ण भट्ट? तो इसका सही उत्तर है नाथूराम शर्मा, शंकर। अगला प्रश्न है। कृषक क्रंदन किसकी कृति है? भारतेंदु, पंत, गया प्रसाद शुक्ल या फिर श्रीधर पाठक? तो इसका सही उत्तर है कृषक क्रंदन जो है गया प्रसाद शुक्ल की रचना है। अगला प्रश्न है। कविता कलाप के रचनाकार है दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, नवीन या फिर आगे देख लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी? तो यहाँ पे कायाकल्प जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है। राष्ट्रवीणा नामक रचना के रचयिता कौन है? प्रसाद, भारतेंदु, गया प्रसाद शुक्ल या फिर राय देवी प्रसाद पूर्ण? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। गर्भरंडा रहस्य कृति का रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक, नाथुराम शर्मा, शंकर, श्याम नारायण पांडे या फिर जगन्नाथ दास? तो इसका सही उत्तर है ये जो रचना है इसका रचयिता है नाथुराम शर्मा, शंकर। अगला प्रश्न है। काव्य मंजूषा किसके रचना है? मुकुटधर पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर जगन्नाथ दास? तो इसका सही उत्तर है काव्य मंजूषा जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला प्रश्न है। पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार है लोचन प्रसाद पांडे, शिव मंगल सिंह सुमन, श्रीकांत वर्मा या फिर जगदीश गुप्त? तो इसका सही उत्तर है लोचन प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न है। राष्ट्र भारती किसकी रचना है? रामचरित उपाध्याय, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचरित उपाध्याय। चलिए आगे प्रश्न है।
पद्य प्रसून किसकी रचना है? निराला, हरिओद, प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त? तो इसका सही उत्तर है पद्य प्रसून जो है हरिओद की रचना है। इसके अलावा चौखे चौपदे ये सभी रचनाएं इनकी है। चलिए अगला है, पथिक नामक रचना किसकी है? हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन? तो ये जो रचना है पथिक मिलन, पथिक मानसी, ये तीनों रचनाएं ही किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की है। हिम किरीटिनी के रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी। तो हिम किरीटिनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। और इस पर बात करें तो यहाँ पे देखिए ये ध्यान रखिएगा कि हिम तरंगिनी इनकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की हिम किरीटिनी और हिम तरंगिनी, और हिम तरंगिनी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे प्रश्न है, वसंत वियोग के रचयिता है राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, हरिओद, श्रीधर पाठक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसंत वियोग जो है राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। तो हमारा अगला प्रश्न है, हिम तरंगिनी किसकी रचना है? अभी इसके बारे में मैंने आप सभी को बताया था, राधा कृष्ण दास, नाथूराम शर्मा शंकर, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वप्न किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी, सोहनलाल द्विवेदी? तो यहाँ पर स्वप्न जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। मिलन, स्वप्न, मानसी, ये सभी रचनाएं इनकी है। अगला प्रश्न है, विरही वनवास किसकी रचना है? सोहनलाल द्विवेदी, हरिओद, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर दिनकर? तो ये हरिओद की रचना है। अगला प्रश्न है, समर्पण और माता ये रचनाएं जो है किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर हरिओद? समर्पण और माता, तो ये दोनों ही रचनाएं जो है माखनलाल चतुर्वेदी की है। अगला प्रश्न है, मौर्य विजय नामक रचना के रचयिता है सियाराम शरण गुप्त, प्रेमघन, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो मौर्य विजय जो है सियाराम शरण गुप्त की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिधारा के रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, जगन्नाथ प्रसाद या फिर दिनकर? तो त्रिधारा जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, इनका काव्य संग्रह। चलिए अगला है, रेणुका नामक रचना किसकी है? अंबिका दत्त व्यास, दिनकर, राधा कृष्ण दास या फिर नाथूराम शर्मा शंकर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिनकर। चलिए अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? त्रिशूल, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, हनुमान, अनामदास? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो सरस्वती में वो किस नाम से अपनी रचनाएं छापते थे? भुजंग भूषण भट्टाचार्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? हरिओद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर मोहनलाल महती? तो इसका सही उत्तर है कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हुंकार नामक रचना के रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक या फिर जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद? तो हुंकार जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो यहाँ अगला प्रश्न है, रश्मि रेखा किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्याम नारायण पांडे, मुकुंदर पांडे या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे या फिर श्रीधर पाठक? तो हल्दी घाटी किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे की। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कश्मीर सुषमा के रचयिता कौन है? चलिए आगे प्रश्न इसका ले लेते हैं, कश्मीर सुषमा जो है श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल? तो हमारा प्रश्न था कि कश्मीर सुषमा किसकी रचना है? श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल, राधा कृष्ण दास या फिर उदय शंकर भट्ट? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीधर पाठक। चलिए हमारा अगला प्रश्न है,
कानन कुसुम किसकी रचना है? सोहन लाल द्विवेदी, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक या फिर श्याम नारायण पांडे की? तो कानन कुसुम किसकी रचना है? मुकुटधर पांडे की। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। गुप्त का वह काव्य जो राष्ट्र भावना और हिंदूवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करता है तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में अपनी असमांतर लोकप्रियता रखता है, वह भारत भारती, साकेत, जयद्रथवध या फिर त्रिपथगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत भारती। तो इनकी रचना जो है ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में, तो राष्ट्रीय तौर पर ये लिखी गई ये कविता है और इनके कारण ही इनको प्रसिद्धि मिली। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। मैथिली क्षणगुप्त की इन रचनाओं के कालक्रम अनुसार बताइए। तो यहाँ पे इन रचनाओं का जो है कालक्रम अनुसार हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इनकी रचना, अगर आपको ना भी याद हो तो सबसे पहले आपको पता है हेमंत, इन्होंने शुरुआत में जो है हेमंत नामक रचना जो है इन्होंने अपनी लिखी थी, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं। फिर इसके बाद रंग में भंग, फिर भारत भारती और साकेत। यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे अगर प्रकाशन वर्ष की बात करूँ तो सबसे पहली रचना इनकी हेमंत है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी। रंग में भंग 1909 ईस्वी। इसके बाद भारत भारती 1912 ईस्वी और साकेत 1931 ईस्वी। तो ये जो है इनकी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर ऑप्शन सी है। तो चलिए ये थे आज के 50 प्रश्न जो कि द्विवेदी युग पर आधारित थे। तो आप सभी को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।